छात्र नेताओं की बात करें तो दीपक जाखड़ का मैंने पहले ही नाम ले लिया। इसके अलावा मोती सिंह जोधा हैं, लोकेंद्र सिंह हैं, महेंद्र चौधरी हैं, तमाम प्रकार की उनकी जो हैं, पिछले अगर चुनावों की बात करें तो मोती सिंह जोधा और दीपक जाखड़ के भी बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, वो चुनावी मैदान में थे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस बार जो हैं वो तैयारी करके आए हैं और छात्राएं छात्र हैं आपके साथ क्या में जाएंगे? मुद्दे हैं ज्ञानोदय के दिमाग में चल रहे हैं कि या ये चीजें होनी चाहिए? क्योंकि छात्राओं को लेकर अगर बात करें, हाल ही में आपके कैंपस में एक इंसिडेंट जो हुआ उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लगता है कि हाँ टिकट मिल जाएगी और उसके बाद उस परिवार में जो है आपका एंटी नहीं होगा, अगर टिकट मिल भी जाती है तो आप चुनाव भी लड़ लेंगे। ऐसा आपकी इस चुनावी राजनीति गलियारे जो हैं कॉलेज चुनावों की, उसमें एक ये भी चर्चा है कि दीपक जाखड़ का गुट और सुनील चौधरी का गुट है, उनकी कुछ बनती नहीं है, और ज्ञानोदया चौधरी हैं वो सुनील चौधरी के गुट से हैं और वहां से वो तैयारी करवा रहे हैं, इधर से वो करवाएंगे, उधर से बड़े नेताओं का भी हाथ है। कहाँ तक आप इस झमेले में तो नहीं फंस रहे? आप बात करिए सिक्योरिटी की, तो अभी हाल ही में घटना को पूरे देश ने, देश को झकझोर के रख दिया। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव अगले माह में होने वाले हैं। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि ये चुनाव अगस्त माह के अंत तक हो जाएंगे और यहां के छात्र छात्राएं हैं वो किसी न किसी के सर पर अध्यक्ष का ताज पहना देंगे, और उसी ताज की होड में इस बार कई छात्र नेता हैं और उन नेताओं में एक छात्रा भी हैं जो प्रबलता से दावेदारी कर रहे हैं और लगातार छात्राओं के बीच छात्रों के बीच भी जा रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से किसान परिवार से संबंध रखने वाली ज्ञानोदया चौधरी की। ज्ञानोदया मूलतः बाड़मेर से हैं लेकिन इन्होंने जोधपुर की छात्र राजनीति में बहुत ही सक्रियता निभाई है और इस बार छात्र संघ अध्यक्ष के लिए खुद दावेदारी कर रहे हैं। ज्ञानोदया, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय का इस प्रकार का एक बोलबाला रहा है कि यहाँ पर जो बोल्ड नेता होते हैं, जिनकी एक बुलंद आवाज होती है, हर समय छात्र छात्राओं के लिए लड़ते हैं, वो अध्यक्ष बनते हैं। आपको लगता है कि इस सब मापदंड में पूरे फिट बैठ रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि जो छात्र छात्राओं के लिए जितना कोई छात्र नेता लड़ाई लड़ता है उस हिसाब से हमने पूर्ण रूप से लड़े हैं, लड़ी भी है और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी का इतिहास कांता ग्वाला भी रही है क्योंकि वो भी छात्रा थी, यहाँ से अध्यक्ष बनी थी। बिल्कुल बनते छात्रा। देखिए सर, राजनीति हो या कोई सा भी फील्ड हो, एक छात्राएं मतलब लड़कियां खुद को कमजोर तो समझती नहीं है, और मैं नहीं इस बात को स्वीकार करती कि मैं लड़कियां आपके मुंह से यही सुनना चाहता किसी भी था कि फील्ड में लड़कियां कमजोर अपने आप हैं। को कमजोर नहीं मानती और मानना भी नहीं चाहिए। नहीं अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल अब शुरू होगा, क्या लग रहा है ज्ञानोदया को कि एक छात्रा अध्यक्ष बनेगी और उसके बाद तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको लेकर काम करेंगी और विशेषकर छात्राओं को लेकर काम? देखिए सर, मैं मानती हूँ कि छात्रा अगर प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी की बनती है तो मैं समस्त सिर्फ छात्राओं को लेके ही नहीं, समस्त छात्र छात्राओं को साथ में लेके चलने की हमेशा भावना मेरे अंदर जागृत रखूंगी, एवं जो विश्वविद्यालय के संपूर्ण विद्यार्थी है उनकी शिक्षा, मैंने जो शिक्षा एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हर एक विद्यार्थी अपने आप में प्राप्त करें, और शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स है, एनसीसी है, एनएसएस है, विश्वविद्यालय का जो नियमित विद्यार्थी है वो विश्वविद्यालय की हर एक एक्टिविटी में अपनी पार्टिसिपेट, अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें, इसके लिए मैं हमेशा हर विद्यार्थी के लिए प्रयासरत रहूंगी। ज्ञानोदय, जब छात्रों के बीच वोट मांगने जाते हैं कि भैया आप उनकी समस्याओं को लेकर, हिचकिचाते हिचकिचाहट होती है? नहीं सर, मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती। मैं एक लॉ की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, मैंने LLB कंप्लीट कर ली है, ग्रेजुएशन मेरी LLB से पहले ही हो चुकी थी, तो हिचकिचाहट जैसी बात तो कभी मेरे मन में आती नहीं है, ना मुझे रहती है ऐसे कुछ भी। क्या मुद्दे हैं ज्ञानोदय के दिमाग में चल रहे हैं कि या ये चीजें होनी चाहिए? क्योंकि छात्राओं को लेकर अगर बात करें, हाल ही में आपके कैंपस में एक इंसिडेंट जो हुआ उसकी बात करें, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। बिल्कुल सर, दुख होता है कि जो गत दिनों विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर जो घटना घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय घटना है, इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर रहा
उस वजह से उन अपराधियों ने, नुमाइंदों ने उस विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर को एक स्थान चुना इतनी बड़ी घटना को घटित करने के लिए, तो उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन तो कमजोर रहा ही रहा है। अगर प्रशासन एक्टिव होता, विश्वविद्यालय की जो चार दीवारी है वो मजबूत अगर टूटी फूटी नहीं होती एवं विश्वविद्यालय के जो मेन गेट है उस पर गार्ड सिक्योरिटी में रहते, तो ये घटना इस शिक्षा के मंदिर में घटित नहीं होती। चलो, इस तमाम बातों को लेकर अपन बाद में सवाल करेंगे, आपसे चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है कि ज्ञानोदया चौधरी आप किस पार्टी से या किस संगठन से संबंध रखते हैं? सर, मैं एनएसयू संगठन से, एनएसयूआई से संगठन संबंध रखते हैं। एनएसयूआई से इस बार दीपक जाखड़ का भी नाम आ रहा है, वो पूर्व सांसद के बेटे हैं, राजनीतिक बहुत बड़ा एक परिवार है, और आप एक किसान परिवार से हैं, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, लगता है कि हाँ टिकट मिल जाएगी और उसके बाद उस परिवार में जो है आपका एंटी नहीं होगा, अगर टिकट मिल भी जाती है तो आप चुनाव भी लड़ लेंगे, ऐसा? देखिए सर, मैं किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ, किसान परिवार से जो भी विद्यार्थी या फिर जो भी बिलोंग करता है वो अपने आप को कमजोर तो कभी महसूस करता ही नहीं, क्योंकि वो एक विकट परिस्थितियों से लड़ते लड़ते वो अपनी जिंदगी का जो ये मोड़ यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, तो विभिन्न प्रकार की विकट परिस्थितियां मेरे सामने तो पहले भी आई होगी, तो मैं मेरे आप खुद में मेहनत पर विश्वास करती हूँ, पैसे या फिर राजनीतिक घराना वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, एक सवाल और भी है, छात्र नेताओं की बात करें तो दीपक जाखड़ का मैंने पहले ही नाम ले लिया, इसके अलावा मोती सिंह जोधा हैं, लोकेंद्र सिंह हैं, महेंद्र चौधरी हैं, तमाम प्रकार की उनकी जो हैं, पिछले अगर चुनावों की बात करें तो मोती सिंह जोधा और दीपक जाखड़ के भी बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, वो चुनावी मैदान में थे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप इस बार जो हैं वो तैयारी करके आए हैं और छात्राएं छात्र हैं आपके साथ रह जाएंगे? देखिए सर, तैयारी हम तो छात्र छात्राओं के लिए पहले भी मेहनत करते थे, कभी भी किसी भी छात्र या छात्रा ने, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ने मेरे तक अपनी समस्या को पहुंचाया है तो उसको मैंने हमेशा पूर्ण करने का भरोसा ही नहीं, उसको पूरा मैंने किया है, समस्या का समाधान करवाने के लिए मैं हमेशा छात्र और छात्राओं के बीच में तत्पर, अब मुझे कभी भी मेरे अपनों ने याद किया है तो मैं उनके बीच में खड़ी मिली हूँ, और बाकी कौन सामने चुनाव लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विश्वविद्यालय में जो भी उम्मीदवार मेहनत कर रहे हैं वो सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं मेरी मेहनत कर रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपकी इस चुनावी राजनीतिक गलियारे जो हैं कॉलेज चुनावों की, उसमें एक ये भी चर्चा है कि दीपक जाखड़ का गुट और सुनील चौधरी का गुट है, उनकी कुछ बनती नहीं है, और ज्ञानोदया चौधरी हैं वो सुनील चौधरी के गुट से हैं और वहां से वो तैयारी करवा रहे हैं, इधर से वो करवाएंगे, उधर से बड़े नेताओं का भी हाथ है, कहाँ तक आप इस झमेले में तो नहीं फंस रहे? नहीं सर, ऐसी गुटबाजी हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, हम सभी एक ही पैनल से तैयारी कर रहे हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, ये गुटबाजी लोग कुछ भी कह सकते हैं मगर मैं इसको सिरे से खारिज करती हूँ कि ऐसी कोई गुटबाजी की हमारे बीच में है ही नहीं। तो क्या किसको चुनौती मानते हैं, ज्ञानोदया चौधरी किसको मानते हैं, क्योंकि आप ये कह चुके हैं कि हाँ मैं लड़की हूँ लेकिन मैं लड़ सकती हूँ या मजबूत हूँ, हमें उस बात को लेकर हिचकिचाहट नहीं आती है और होनी भी नहीं चाहिए, क्या अपने आप को किस चीज को चुनौती मानते हैं कि हाँ ये मेरे लिए चुनौती है और इस चुनौती को मैं टक्कर दूंगा? देखिए सर, मेहनत जो करता है उसके लिए चुनौती कुछ होती भी नहीं है, और होती है हर चुनौती को स्वीकार करने की ताकत वो अपने आप में रखता है। क्या मुद्दे लगते हैं आपको, क्या लगता है कि ये मुद्दे लेकर के अगर मैं छात्र छात्राओं के बीच जाऊंगी तो वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मुझे वोट दे देंगे और मैं जीत जाऊंगी, क्या मुख्य मुद्दे हैं? क्योंकि आपके अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी शिक्षा प्रणाली में भी अभी बदलाव आया है, उसको लेकर छात्र कई हैं वो कंफ्यूज हैं, या फिर आप बात करिए सिक्योरिटी की तो अभी हाल ही में घटना को पूरे देश ने, देश को झकझोर के रख दिया। देखिए सर, प्रमुख मुद्दे की बात करें तो सर्वप्रथम तो विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा जो प्रणाली, आपने ये बताया कि नई शिक्षा प्रणाली आई है, तो मैं संपूर्ण विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो नई शिक्षा प्रणाली आई है उससे आम विद्यार्थी को फायदा है, हर 6 मंथ में सेमेस्टर प्रणाली में एग्जाम्स होंगे तो एक विद्यार्थी जो शिक्षक से डायरेक्ट टच में रहेगा, क्योंकि 6 महीने में एग्जाम्स होंगे तो वो एक कहीं ना कहीं गैप कम रहेगा, तो नियमित रूप से कक्षाएं भी लगेगी एवं जो शिक्षा का जो जरिया है वो और बहुत मजबूत बनेगा, एवं अगर सिक्योरिटी की बात आपने कही है तो सिक्योरिटी को लेके मैं पूर्ण रूप से छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेके हमेशा तत्पर हूँ, एवं ये घटना घटित हुई उसके बाद में प्रशासन के साथ मिल बैठ के हमने जो निर्णय लिया कि आगे की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो उसको लेके सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त कर दिए गए हैं, एवं पुलिस प्रशासन के सिपाही जो डे एंड नाइट अपनी ड्यूटी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे करते हैं, गश्त की गाड़ियां भी घूमती है, एवं जो रोड लाइटिंग का सारा जो काम था, आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर कभी घटित नहीं हो इसके लिए हम पूर्ण रूप से सुरक्षा के प्रबंधन करवा रहे हैं, जल्दी पूरे हो जाएंगे। अच्छा,
आपके कई छात्र हैं आपके कॉलेज में पढ़ने वाले या कैंपस में रहने वाले, वो जानना ये जरूर चाहते होंगे कि ज्ञानोदया चौधरी आखिर है कौन, कहाँ से आए हैं, परिचय अभी तक कई लोग आपको नहीं जानते। जी सर, मैं ज्ञानोदया चौधरी, मेरा जिला बाड़मेर है एवं बायतू से बिलोंग करती हूँ। एक छोटे से किसान परिवार से मैं आती हूँ एवं मेरी एजुकेशन मैंने यहाँ विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी में प्रवेश लिया था। लॉ मेरी यहीं सुवीर, अभी भी मेरा लॉ में ही एडमिशन है। तो क्या बाड़मेर से भी कभी कोई शिक्षा ग्रहण की है आपने? जी सर, बाड़मेर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव से ही हुई थी। उसके बाद में मैंने 9th, 10th, 11th, 12th की शिक्षा है जो मैंने बालोतरा से की थी। उसके बाद ज्ञानोदय अपने आप को कहाँ देखना चाहती हैं अभी कॉलेज राजनीति के बाद? कहाँ एम्स क्या है, हर एक इंसान का एक एम होता है, एक भविष्य देखते हैं। देखिए सर, भविष्य का इतना लंबा तो मैंने सोचा ही नहीं है। मैं प्रेजेंट में जितना मेरे खुद को 100% अपनों के लिए मैं जितना कर सकूं वो मैं करूंगी, मेहनत करूंगी। मैं मेहनत में विश्वास करती हूँ और मेहनत में कभी कमी नहीं आने दूंगी। बाकी भविष्य में क्या होगा, क्या होना है, वो तो भविष्य में ही पता चलेगा। पहले से अभी से मैं डिसाइड कर लूँ कि मुझे फ्यूचर में वो है, वो चीज़ें होती नहीं है। अच्छा, अभी मेरा एक और सवाल है कि हम आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि बेटियाँ कई बार कई प्रकार की परिस्थितियों को देख करके या उनके जहन में दिमाग में ऐसी बातें चलती रहती है कि ये वो मैं नहीं कर सकती या ये वो नहीं होना चाहिए, लड़कियां ये वो नहीं करती। ज्ञानोदया चौधरी एक क्या मैसेज देगी तमाम उन बेटियों को, उन बहनों को, कि नहीं हम सब कुछ कर सकती हैं, हम आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं तो इस चैनल के माध्यम से सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियाँ हो चाहे लड़के हो, किसी भी फील्ड में अपने आप को कमजोर नहीं समझें। जिसमें भी आपने को रुचि है उसमें आप 100% देने की कोशिश करें। अगर अपन 100% उसमें देते हैं तो सफलता अपने हाथ एक न एक दिन लग ही जाती है। कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, हर काम संभव होता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत अपने आप को करनी पड़ती है। उसमें चाहे लड़की हो या चाहे लड़का हो, वो कोई मैटर नहीं करता। अच्छा, ये भी चर्चाएं चलती है मार्केट में कि जब JNU के चुनाव होते हैं तो जो चुनावी मैदान में होते हैं, जिनको टिकट मिल जाती है, उनको काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। कितनी सच्चाई है ज्ञानोदया इसमें? क्या आपने पिछले चुनाव जो हुए थे, आपने देखे थे चुनाव, आप एक सिर्फ वोटर के रूप में थी या छात्र नेत्री भी रही होगी, क्या इस बात को लेकर क्या आपकी रिएक्शन? नहीं सर, ऐसा पैसे खर्च करने की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है सर। वैसे स्टूडेंट्स हैं, प्रचार के लिए आते हैं, विश्वविद्यालय के नियमित विद्यार्थी होते हैं। जो इंटरेस्ट राजनीति में रखता है वो अपने आप किसी न किसी को अपना छात्र नेता मानते हुए अपने नेता के लिए प्रचार में जुट जाता है, तो खर्चे की ज्यादा जरूरत। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, ज्ञानोदया चौधरी कितनी इंश्योर है टिकट को लेकर? देखिए सर, मैं मेरी पूरी मेहनत करूंगी, विद्यार्थियों के साथ में रह के उनके हर काम में, हर समस्या समाधान में हर समय तत्पर रहूंगी। बाकी टिकट को लेके तो संगठन है, वो किस पे भरोसा करता है, जिस पे भरोसा करेगा वो हमें स्वीकार है। निश्चित रूप से ज्ञानोदया चौधरी ने यही कहा है कि संगठन किस पर भरोसा करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जब चुनाव होंगे उसके बाद ये देखने वाली बात सभी के लिए होगी कि छात्र छात्राओं ने किसके सर पर छात्र संघ अध्यक्ष का ताज रखा है।